हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और ये इंटीग्रल्स दोनों देखने वाले हैं हम। देखिए आप, अदरवाइज़ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स होते हैं, लेकिन हम एक इतनी बेहतरीन टेक्निक से इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप साथ बने रहें और देखते रहें। तो हम देखते हैं कि ये इंटीग्रल्स कैसे इंटीग्रेट होंगे। तो इसके लिए आपको छोटा सा एक थोड़ा सा जो पुराना फिल्मी ज्ञान है उसको यूज़ कर लें आप। ई टू द पावर आई पी किसको कहते हैं आप? आप कहते हैं कॉस पी प्लस आई साइन पी। आप जानते होंगे ई टू द पावर आई पी इज इक्वल टू कॉस पी प्लस आई साइन पी होता है। क्लियर है क्या मेरी बात? तो इसके बेसिस पे ई टू द पावर आई बी एक्स प्लस सी क्या होगा? e टू द पावर आई बी एक्स प्लस सी होगा कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस आई साइन बी एक्स प्लस सी। आनंद बिल्कुल आपको आ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब मुझे किस में इंटरेस्ट है? e टू द पावर ए एक्स इंटू दिस है, तो मुझे इसको e टू द पावर ए एक्स से मल्टीप्लाई करना है। मैं e टू द पावर ए एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस आई टाइम्स e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। बिल्कुल एक नंबर प्रॉब्लम है, आप एंजॉय करेंगे। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, पावर ऐड कर देता हूँ। तो जब मैं पावर ऐड करूँगा तो देखिए क्या क्या आने वाला है मेरे पास, ए एक्स प्लस आई बी एक्स। और अगर मैं x को, चलो अभी सिस्टमेटिकली लिख देता हूँ, ए एक्स प्लस आई बी एक्स, और ये पावर जो है ये आई सी है, आई सी। तो ये सारी e की पावर है। राइट साइड में आपके पास है e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस i टाइम्स e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। इसका फॉर्मूला याद रखने का आपको झंझट ही नहीं, आप फार्मूला बिल्कुल भूल जाइए इसका। आपको अदरवाइज इन दोनों के इंटीग्रल्स के बहुत बड़े बड़े फार्मूले हैं, वो ध्यान रखने होते हैं। उससे कम समय में एक पंथ दो काज आप कर लेंगे। देखें अब यहाँ पे दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये जाएगा e टू द पावर, ध्यान से देखना आप, x वाली टर्म को देखो, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे, x कॉमन a प्लस बी आई प्लस आई सी इन डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी डी एक्स प्लस e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स इंटू आई। अब इस वाले को करते जाएंगे और फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लेंगे। तो इस वाले का इंटीग्रल आपको मालूम है, इस इंटीग्रल इसकी वैल्यू होगी e टू द पावर x a प्लस बी आई प्लस आई सी होल अपॉन कोफिशियंट ऑफ x a प्लस बी आई इज इक्वल टू, राइट साइड में तो कोई चेंज है ही नहीं, राइट साइड विल रिमेन एज इट इज, राइट साइड में कोई चेंज नहीं है। इसको क्या लिख सकेंगे हम? तो इसको देखिए, इसको दोस्तों क्या लिख सकते हो आप, वापस से इसको खोल देंगे तो हो जाएगा e टू द पावर ए एक्स e टू द पावर बी आई एक्स बी एक्स आई लिख दिया प्लस सी आई है। और आप जल्दी करना चाहते होंगे तो आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, एक बार आप प्रोसीजर समझ लें। अपॉन में कितना है? ए प्लस बी आई। अगर आप अलाउ करें तो मैं इसमें से आई को बाहर निकाल लेता हूं,
अब आप ध्यान से देखें, ये क्या बन गया आपका e टू द पावर ax, और इसको वापस से क्या लिखेंगे आप, e टू द पावर bx प्लस c को क्या लिखेंगे आप, I को इसको वापस लिखेंगे cos bx प्लस c प्लस I टाइम्स sin bx प्लस c ब्रैकेट क्लोज, और हमारे पास अपॉन में a प्लस ib है, a प्लस ib, और आपका जो राइट हैंड साइड है विल रिमेन एज इट इज, राइट हैंड साइड में डिस्टर्ब नहीं कर रहा। अब हमें a प्लस बी आई है, आपको मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि a प्लस बी आई अगर आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाए तो आपको रैशनलाइज करना पड़ता है, तो ऊपर नीचे क्या करते हैं, इसी में मैं a माइनस आई बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो ऊपर वाला आप देखेंगे e टू द पावर ax बाहर है, रहने दो, देखे a इंटू क्या हो जाएगा आपका cos bx प्लस c, और a इंटू ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i a sin bx प्लस c, फिर माइनस आई बी अगर इससे मल्टीप्लाई होगा, देखिए माइनस आई बी इससे पहले कर दे तो ये हो जाएगा माइनस आई बी कॉस बी एक्स प्लस सी, और माइनस आई बी जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर बी साइन बी एक्स प्लस सी होल अपॉन, होल अपॉन क्या आने वाला है आपका ए प्लस आई बी ए माइनस आई बी, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड विल रिमेन एज इट इज, आर एच एस में कोई चेंज नहीं है, आर एच एस एज इट इज। अब बस सब काम हो चुका है दोस्तों, इनको भी मैं रब कर देता हूँ, और आपके इंटीग्रल्स की वैल्यूज आ चुकी है, एक बार आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, आपको मजा आ जाएगा। e टू द पावर ax, देखिए e टू द पावर ax, और इसमें रियल, रियल कौन सा वाला भाग है, रियल है आपका a cos bx प्लस c, और रियल है आपका ये वाला i स्क्वायर बीइंग माइनस वन, माइनस वन होने की वजह से यहाँ पे हो जाएगा प्लस b sin bx प्लस c, और होल अपॉन कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। अब आप आई वाले पार्ट को भी देख लें, आई इंटू जो आई है, आई है, एक और भी काम कर दें, हम इसको ओपन कर देते हैं तो आपके डायरेक्ट कंपेयर हो जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन दिस, इससे भी मल्टीप्लाई कर दें आई वाले भाग से, ई टू द पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट, अब इसमें आई में देखिए ए साइन बी एक्स प्लस सी, और यहां पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि आई कॉमन ले लिया, बी कॉस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड दोस्तों लिखने का टाइम आ गया, तो राइट हैंड साइड क्या होगी, राइट हैंड साइड है आपकी इंटीग्रल e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी डी एक्स प्लस आई टाइम्स e टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब आप देखिए रियल किसके बराबर है और इमेजिनरी किसके बराबर है, ये वाला पार्ट आपका सिंगल लाइन, सिंगल टिक है, इमेजिनरी वाला डबल टिक, इमेजिनरी डबल टिक। तो दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करता है, e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रल होगा e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट में ये आ जाएगा आपका a cos bx प्लस c प्लस b sin ax प्लस
बी एक्स प्लस सी प्लस एन इंटीग्रल कांस्टेंट के दूसरा इंटीग्रल एंड सेकेंड इंटीग्रल ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए ध्यान से देख ले ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन इंटीग्रल कांस्टेंट के वन डाल दें के टू डाल दें मर्जी हो वो डाल दें। तो देखा आपने ये दोनों इंटीग्रेशन। अब आप इनके बहुत सारे बच्चे फार्मूला लर्न कर लेते हैं, फार्मूला लर्न नहीं करना है, आप बिल्कुल आसानी से एक बार सेल्फ ट्राई करें। और साथियों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों तक दूर दूर तक बात पहुँचा दें। विश यू ऑल द बेस्ट।